एसएससी और बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में सफलता पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हम होंगे कामयाब को और इस बेल आइकन को क्लिक करें मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, दिस इज हम होंगे कामयाब। मैं हूं शंकर कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हम होंगे कामयाब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन के पार्ट तीसरे की। इससे पहले मैंने दो पार्ट और अपलोड कर दिए हैं अप्रोक्सीमेशन के ऊपर में, जिसको कि आप जाकर के हम वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं 9 से लेकर के 12 टोटल 4 क्वेश्चन, और इसके पहले जो पार्ट दो हैं उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 8 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आज है वह कह रहा है कि 7.9999 + 72 × 49.99 इसको किस तरह से अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने को करना है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इस जो हम लोग पहले जो सम्स का जो देख रहे हैं यह लगभग 8000 के नियरर है, तो पहले हम लोग 8000 यहां पर लिख लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग प्लस साइन को देते हुए 72 और ये 49.99 जो कि नियरर है 50 के, तो इसको लिख लेंगे अपॉन क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इसके बाद में वो आएगा 8000 प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3600 बराबर क्वेश्चन मार्क, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11600 क्वेश्चन मार्क। तो यह हमारा जो मिलता है हमारा ऑप्शन डी से, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है 25.01 का होल स्क्वायर माइनस 15.99 का होल स्क्वायर, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधे सीधे 25.01 के स्क्वायर को 25 का स्क्वायर कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे 15.99 का जो यहाँ स्क्वायर है इसको 16 का स्क्वायर मान लेंगे, यह बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसको इजिएस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो 25 का जो स्क्वायर होगा वह हो जाएगा 625 और 16 का जो स्क्वायर होगा यह हो जाएगा 256। अब इसको यहां से सीधे सीधे माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद में हमारा जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 369 जो बराबर होगा क्वेश्चन मार्क के, और यह यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि 380 × 12.25 माइनस 365 डिवाइडेड बाई 15, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले इस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4655 और इसको माइनस, जब इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 24.33, यह बराबर होगा क्वेश्चन मार्क के। जब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4630.67 बराबर क्वेश्चन मार्क, और यह जो हमारा बराबर होगा यह हो जाएगा 4650 के। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि 480 का जो परसेंट है वो है 25501 के, और यहाँ पर 50 का जो परसेंटेज है वह है 28999, यह इक्वल है क्वेश्चन मार्क के। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे या हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे या 480 नहीं या 180 होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे 180 × 25500 और यह अपॉन हो जाएगा 100 के, क्योंकि यह परसेंटेज साइन में है। इसके बाद में हम लोग प्लस को लेंगे और वह हो जाएगा उसका अगला जो पार्ट हो जाएगा 50 × 29, क्योंकि 28.99 है जो हमारा जो नियरर है वो 29000 के है, यह अपॉन हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग इस 100 को 100 से कैंसिल कर देंगे और इसके बाद में फिर जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45900, और जो अगला जो हमारा इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे 290 का 50 से तो यह हो जाएगा 14500, यह बराबर होगा क्वेश्चन मार्क के। जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमारा हो जाएगा 60400 और जो हमारा जो इसका जो आंसर नियर होगा वो हो जाएगा सी। यानी यहाँ पर जो यह 4 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यह मैंने पूरे बैंकिंग के पर्पज से डिस्कस किए हैं। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस प्राय पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेशन के जो कि 5 नंबर के आते ही हैं, तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।